हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मदर नेचर मेलोस। आज मैं आपको अपने लेमन ट्री पे इतने सारे लेमन लगने का सीक्रेट बताऊंगी कि मैं इसके लिए क्या करती हूँ और मैंने किस तरीके से इसे लगाया है ज़मीन में। मैंने इसे लगभग 7 साल पहले लगाया था और विद इन 2-3 मंथ्स में ही मुझे इसने अच्छा क्वालिटी का फ्रूट देना शुरू कर दिया था। एक्चुअली मैंने जब इसे लगाया था तो मैंने उस गड्ढे में वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसको, वर्मी कंपोस्टिंग जो खाद होती है उसे ऐड किया था। साथ में मैंने कुछ अर्थवॉर्म्स भी उस खाद में ऐड कर रखे थे। अर्थवॉर्म्स ऐड करने का जो मेरा मोटो था प्लांट लगाते हुए वो ये था कि मेरी जो सॉइल की क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाए, जिससे रूट सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से डिवॉल्व होता है। जब आपकी सॉइल जो है वो हल्की होती है तो रूट अच्छे से उसमें स्प्रेड होती हैं और वो उनकी जो रीच होती है न्यूट्रिशन को खींचने की ज़मीन से वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। ये जो लेमन ट्री है ये इसी तरह पूरा साल ऐसे ही लेमन से भरा रहता है। हम लोग जो इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ही यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो इस तरीके की फ्रूट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।